इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा असला बरकत इतिहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है कोरोना आलमी वबा का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा बेलगाम शहर में आज कोई पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया लिहाजा रियासत कर्नाटक में आज सिर्फ एक ही दिन में 115 मरीजों का इजाफा हुआ है क्या मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है हुकूमत यह भी इतमान दिला रही है कि हालात काबू में है पर हर रोज बढ़ती तादाद सोचने पर मजबूर कर रही है आज एक मरीजों के साथ कुल तादाद दो हजार के आगे पहुंच चुकी है कुल भारत में एक लाख साठ हजार पाँच सौ से भी पार किया हुआ है कर्नाटक में पचास के करीब मौतें हुई हैं तो में चार हजार पाँच सौ से भी ज्यादा मौतें वाकई हो चुकी हैं गुलबर्गा यादगीर बीदर में पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है बेलगाम का आंकड़ा एक सौ पैंतालीस पर कायम रहा आज का दिन कुछ राहत भरा रहा तीन मरीजों को आज डिस्चार्ज भी किया गया बेलगाम पॉजिटिव मरीजों में जहां दूसरे नंबर पर था आज पांचवे नंबर पर पहुंच गया है दिगर जिलों में तादाद बढ़ती जा रही है जो भी हो पर बढ़ती तादाद ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश के लिए लम्हा ये फिक्र है जिस पर हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा बढ़ते मरीजों की तादाद के मद्देनजर आवाम में भी यह डर देखा जा रहा है कि क्या लॉकडाउन पांच पर अमल किया जाएगा पर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन तो दूर पर लॉकआउट करने का फैसला लेने के इम्कान ज्यादा रोशन नजर आ रहे हैं सिर्फ दो महीने के लॉकडाउन से ही मीशत खत्म होने की कगार पर है और एक लॉकडाउन ना तो देश के हित में होगा और न आवाम के हक में बेहतर हो सकता है यह मोदी हुकूमत अच्छी तरह जानती है लिहाजा पिछले लॉकडाउन कितने खतरनाक असर आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं इसका तजुर्बा भी सभी को हो रहा है सड़कों पर चलते मजदूरों की तस्वीर ने तो भारत को और ज्यादा बदनाम कर दिया लिहाजा मरकजी हुकूमत ने ऐसी किसी खबर पर एतबार न करने का ऐलान किया हुआ है पुलिस इंतजामिया भी कोरोना की जद में दिगर रियासतों से दाखिल होने वाले मुसाफिरों की पहचान के लिए कोगनोनी नाका पर मुख्तफ जिलों के पुलिस दस्तों को तैनात किया हुआ हर जिले से तकरीबन नौ पुलिस को यहाँ तैनात किया हुआ है ताकि शहर में दाखिल होने वालों की पहचान कर सके और इनकी सही तफ्श कर सके लिहाजा के पर अपने कामों को अंजाम देने वाले नौ में से पांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है अब तक बेंगलोर मंगलोर उड़पी हसन उड़पी बागलकोट के तकरीबन 20 पुलिस वालों में पॉजिटिव पाया गया है जहां कहीं के ये पुलिस थानों में पॉजिटिव पाए गए हैं वहीं के तक, वहां के तकरीबन पुलिस वालों को क्वारंटाइन किया गया बेंगलोर मंगलोर की और दिगर जिलों में कुल 200 पुलिस वालों को क्वारंटाइन किया गया पुलिस मोहकमा में बढ़ती के मद्देनजर पुलिस इंतजामिया हजार वालों में मुतासिर पाए गए बेलगाम शहर से भी पुलिस तैनात है पर इनमें कोई पॉजिटिव नहीं आई यह भी इतला हासिल हुई है कि मैंगलोर के मुकाबले में बेलगाम पुलिस इंतजामिया को सहूलत मुहैया नहीं कराई गई है पुलिस थाने के बाहर वॉश बेसिन सैनिटाइजर चेहरे पर वाइजर मंगलौर वालों को दिए गए पर बेलगाम वालों को इन सुविधाओं से महरूम किया गया लिहाजा तमाम सुविधाओं के बगैर बेलगाम पुलिस अपने खिदमत को अंजाम दे रही है अभी कोरोना वबा से देश लड़ रहा है हर रोज मरीजों की तादाद बड़े पैमाने पर बढ़ रही है किसान वैसे भी पहले से परेशान थे लिहाजा एक और अज़ाब बनकर टिड्डियां दाखिल हो रही है हजारों एकड़ खेत की फसल को फस्त कर जाती है जयपुर के मुरलीपुरा और विद्यासागर नगर इलाकों में दीवारों और पेड़ों पर बैठी टिड्डियों को भगाने के लिए लोगों ने तालियां थालियां पीटना शुरू किया ये टिड्डी फौज नागौर से इतवार को जयपुर पहुंची थी इसके बाद सोमवार को दौसा की ओर निकल गए थे अब ये झांसी के आस है तकरीबन पांच रियासतों ने कुदरती फौज दाखिल हो चुकी है जैसे ही तेलंगाना में दाखिल होने की खबर आई कर्नाटक हुकूमत भी चौकना हुई है लाखों की तादाद में टिड्डियों का लश्कर खेतों पर हमलावर होता है और कुछ ही लम्हों में खेतों का खात्मा कर देता लाखों की फौज चारों तरफ से दो किलोमीटर से भी जायद फासला अपने कब्जे में कर लेते हैं कहा यह भी जा रहा है कि यह पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तान से राजस्थान के रेगिस्तान में से दाखिल हुए भारत में दाखिल हुए महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना के बाद कर्नाटक में भी दाखिल होने के इम्कान है इससे महाराष्ट्र कर्नाटक सरहद के किसान परेशान है इनके इनका नाम लोकस्ट है इन लोकस्ट नामी टिड्डिया अब तक हजारों एकड़ फसल को खत्म कर चुके हैं रोजाना 200 किलोमीटर का फासला यह तय करते हैं हजारों एकड़ में किसी भी दरख्त फसल को कुछ ही लम्हों में खाकर खत्म कर देते हैं महाराष्ट्र के नागपुर के करीब इन्हें देखा गया लिहाजा कर्नाटक के बीदर से यह सिर्फ 400 450 किलोमीटर दूर तो गुलबरगा से साढ़े छह किलोमीटर दूर है कर्नाटक हुकूमत ने भरोसा दिलाया कि हम इन टिड्डियों के हमलों का मुकाबला करेंगे क्या वाकई इस अजाब का मुकाबला हुकूमत करेगी इसकी जमानत कौन देगा ऐसा किसानों के सामने सवाल आन खड़ा हुआ है अब तक बाढ़ में हुए नुकसान की ही भरपाई नहीं हुई है अब ये कौर टिड्डियों की मुसीबत ने किसानों की परेशानी में इजाफा कर दिया है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने आप को गरीब घराने से होने की बात कही है ना सिर्फ गरीब बल्कि चाय बेचने की भी बात बार बार कही बल्कि 35 साल तक भीख मांगकर खाने की भी बात कही कई दावों की तरह यह भी दावा झूठा साबित हो चुका है वाजा रहे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर वेंडरिंग के लिए रेल मोहकमा की जानब से कुछ दस्तावेज बनाए जाते हैं ताकि रेल प्लेटफॉर्म पर कितने लोग काम कर रहे हैं इसका अंदाजा रहे और यह एक अरसे से दस्तावेज में नाम दर्ज करने का काम जारी है ताकि कानूनी तौर पर वेंडर्स और चाय बेचने वालों से लेकर काम करने वालों की मालूमत रहे बिना इजाजत किसी चीज को रेल प्लेटफॉर्म पर फरोख्त करना कानूनी तौर पर जुर्म है पर पर प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम बनने से पहले और बाद में भी कई बार यह कहते देखा गया कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हुआ और इससे कांग्रेस को तकलीफ है दो में जब यह तस्करा बहुत ज्यादा हुआ तब कांग्रेस हिमायती और सामाजिक कार्यकर्ता तहसील पुणे ने आरटीआई में अर्जी दाखिल की और इसके तहत रेल बोर्ड से जानकारी तलब फरमाई कि ऐसा कोई रिकॉर्ड दस्तावेज या रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर नरेंद्र मोदी को चाय बेचने के लिए किसी अफसरान ने कानूनी तौर पर पास दिया था 2015 में हासिलतला के मुताबिक आरटीआई के जवाब में रेल मोहकमान ने कहा कि रेल बोर्ड के टूरिस्ट या फिर खान पान के तमाम दस्तावेजों में कहीं पर भी नरेंद्र मोदी का नाम चाय बेचने वालों की फहरस्त में नहीं है जब इस मामले को लेकर तहसीन पूनावाला से सवाल किया गया कि आखिर क्या वजह है कि इस मालूम को अब आवाम के सामने लाए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और यह भी हमें मालूम है कि वह किसी गरीब घर से नहीं है पहले से ही अमीर और महंगे खाने और कपड़े पहनने के शौकीन रहे हैं। लिहाजा अब आवाम को इनकी असलियत समझ में आ रही है इसलिए यह खबर को इस वक्त बताना मुनासिब समझा क्योंकि अब सच्चाई सामने आती जा रही है इतिहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज